वक्त मैं दरबार शरीफ के अंदर जा रहा हूँ और ये इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है पंजाब पुलिस के अहलकारों ने, पूरा सिक्योरिटी वाला जो यहाँ पर इंतज़ाम है, क्योंकि एक बार दादा साहब के मज़ारे पर अनवार पर बम धमाका भी हुआ था, वो जो हैं काफिर लोग, मैं तो सीधा सीधा बड़े जो हैं साफ वर्ड यूज़ करूँगा काफिर लोगों ने, क्योंकि काफिर लोग ही ऐसा करते हैं। ये देखिए जी अंदर जा रहा हूँ मैं, मज़ार शरीफ के अंदर पहुँचने वाला हूँ, बस थोड़ा सा दूर हूँ। इस वक्त मैं आ चुका हूँ, ये जो हैं यहाँ पे जूतियाँ वगैरह जमा कराई जाती हैं, जो चप्पलें हैं, और इसके दूसरी तरफ जो है वो बिल्कुल सामने वजू खाना है, वो भी आपके आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मज़ार पुरानवार के मैं अंदर आ चुका हूँ और ये यहाँ जो है ये देखें जूतियाँ वगैरह जमा की जा रही हैं, जो चप्पलें वगैरह हैं, जो जूतियाँ जो हैं वो लोग जमा करवाते हैं। ये देखें ये बहुत बड़ा जो है यहाँ पर चप्पलें जमा करवाई जाती हैं, ये दोनों तरफ है, दूसरी तरफ भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें और ये देखें सुबह 9:30 बजे का इस वक्त जो टाइम है, और रश क्योंकि उर्स है और उर्स का तीसरा दिन है। ये देखें और वो बड़े खूबसूरत जो है मीनार शरीफ नज़र आ रहे हैं। आगे अंदर की वीडियो जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वज़ू खाना है जहाँ पे जो है दाता साहब के मुरीद हैं, ज़ायरीन जो आए हैं हाज़िरी के लिए वो वज़ू कर रहे हैं। ये देखें जी ये चप्पलें देख सकते हैं आप, ये चप्पलें जमा कर रहे हैं, और ये वज़ू खाना है जहाँ पे ज़ायरीन वज़ू कर रहे हैं। ये देखें इसके अलावा एक और वज़ू खाना है जो बेसमेंट में, वहाँ भी मैं आपको जो खूबसूरत लम्हात हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ।